बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम गंगा टू पुलवामा में से जो मुख्तलिफ इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए हैं उसमें से हमने 3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को डिटेल में कवर कर लिया है। एक तो हाईजैकिंग ऑफ गंगा, उसके बारे में भी बात हो चुकी है। इंडिया के पार्लियामेंट अटैक के बारे में भी 2001 दिसंबर का वो भी बात हो चुकी है। उसके बाद गोधरा में ट्रेन आर्सन विच लेड टू दी कार्नेज इन गुजरात, उसकी भी बात हो चुकी है। अब हम बात करने जा रहे हैं समझौता एक्सप्रेस की का जो आर्सन हुआ था जो उसमें जलाई, उस सिलसिले में समझौता एक्सप्रेस को दोस्ती ट्रेन भी कहा जाता है। और ये मामला शुरू हुआ था, ये चलती है लाहौर से लेकर दिल्ली तक के लिए। इट स्टार्टेड ऑन 22 जून 1976 आफ्टर द शिमला एयरपोर्ट। और पैसेंजर्स जो हैं वो बैठ के वाघा तक जाते हैं, फिर वाघा से वो उतर के अटारी जो विच इज़ दी बॉर्डर ऑन द इंडियन साइड वहाँ तक पैदल जाते हैं, और उसके बाद इंडियन ट्रेन में बैठ के फिर वो दिल्ली तक जाते हैं। ये ट्रेन, अच्छा, ये काफ़ी अरसे से, जैसे मैंने आपसे खुद वर्ष किया 1976 से ये तो मामला चल रहा था, मगर ये बहुत दफ़ा बंद भी हुई है। पहली दफ़ा ये बंद हुई थी 2002 में आफ्टर द अटैक ऑन द पार्लियामेंट। उसके बाद ये दूसरी दफ़ा ये शुरू कर दी गई थी 2006 में, मगर फिर 2007 दिसंबर में बेनज़ीर के मर्डर के बाद ये फिर रुक गई थी। और ये मामला इसी तरह आगे पीछे चलता रहा है। और फिर ये जो पुलवामा के बाद जो 28 फरवरी को हुआ था उसके बाद से ये मामला, उसके बाद से ये ट्रेन रुकी हुई है। 18 फरवरी 2007 को ये ट्रेन जब लाहौर से दिल्ली की तरफ जाते हुए जब पानीपत के पास पहुंची, पानीपत जो है तकरीबन दिल्ली से 30 किलोमीटर पहले है, सॉरी 80 किलोमीटर पहले है, तो उसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर 68 लोग मर गए और डजन्स दर्जनों लोग जख्मी भी हुए थे। इन 68 लोगों में से गालिबन 48 या 50 तो पाकिस्तानी थे। अच्छा, अभी ये अटैक हुआ है और आग लगी है कि विद इन, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पहुँची भी नहीं है इन्वेस्टिगेट करने से, कि ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने मशहूर करनी शुरू कर दी थी। और मीडिया पे आकर इंडियन हाई ऑफिशियल्स हैड स्टार्टेड सेइंग कि ये सारा काम जो किया है ये लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने किया है, और इसके पीछे सारी सपोर्ट जो है वो ISI की है। अभी कोई इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पहुँची भी नहीं है और ये सारी बात कहनी शुरू हो गए। और उसकी वजह यह है कि अभी हमारा पीस प्रोसेस के सिलसिले में हमारी कुछ मीटिंग्स होने वाली थी जो मुशर्रफ साहब के साथ, उस चीज़ को, सारी चीज़ को सैबोटाज करने के लिए सारा कुछ किया गया है। अच्छा, एंड एज आई सेड कि द इंटायर ब्लेम वाज पुट ऑन लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद एंड ISI। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पर 2-3 सूट केसेस मिले थे। एक सूट केस के अंदर अनडेटोनेटेड बॉक्स बॉम्ब्स पड़े थे। एक सूट केस से उन्हें टाइमिंग डिवाइसेस भी मिली थी, और एक सूट केस में से 12 बोतलें मिली थी पेट्रोल की और केमिकल्स की जो कि आग लगाने में इस्तेमाल की गई थी। अच्छा, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो वहाँ की पुलिस ने ये पता, कोई मिस्टर राय थे जो उसको हैंड कर रहे थे, वो उन्होंने उसको दुकान भी ढूंढ ली थी जहाँ से ये सूट केसेस खरीदे गए थे, वो दुकानें भी उन्हें पता चल गई थी जहाँ से ये बॉम्ब बनाने का जो मटेरियल था वो ख़रीदा गया था, और सिलसिले में काफ़ी कार्रवाई हो गई थी। उसके बाद राय साहब की मुलाकात होती है हमंत करकरे के साथ, और फिर करकरे वॉज ऑल्सो एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। इन दोनों ने मिल के इस पर बड़ी डिटेल में काम करना शुरू किया, और अगले चंद महीनों में वो इस तक पहुँच चुके थे कि उन्होंने 4 लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिए कि ये लोग शामिल है, जिसमें से एक सर्विंग कर्नल पुरोहित भी थे और एक प्रयाग सिंह साहब थे और एक असीमंत थे। तो इनमें से 4 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया था, मगर उसके बाद बॉम्बे के अटैक्स में हमंत करकरे साहब मर गए, और उसके बाद ये सारा प्रोजेक्ट जो कि करकरे और राय मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसको भी शेल्फ कर दिया गया। फिर उसके बाद ये 2008 में जाके ये प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ कि इसको चलो इन्वेस्टिगेट तो करो क्या है। अच्छा, पाकिस्तान इस सारे पीरियड में खामोश बैठा रहा, उसने कोई ख़ास काम नहीं किया। ये गवर्नमेंट अगेन
मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के आखिरी दिन चल रहे हैं, मुशर्रफ साहब के अपने और दूसरे इतने इश्यूज थे गालिबन कि उन्होंने इस तरह तवज्जो ही नहीं फरमाई। एनीवे ये मामला चलते रहे। इट वॉज 12 ईयर्स लेटर ऑन 20th of March 2019 कि जब स्पेशल कोर्ट ने इन चारों कल्प्रेट्स को उन्होंने माफ़ कर दिया। और उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि वो जो प्रोसिक्यूशन ही उनकी ठीक तरीके से नहीं की गई, द प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रोड्यूस द नेसेसरी विटनेसेस, वो एविडेंस भी ठीक तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सके। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये केस में इन सारे लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑल ऑफ देम वर वेरी सीरियस हिंदू आरएसएस एंड संघ परिवार मेंबर्स, और ये सैफरॉन टेरर का एक हिस्सा रहे थे। तो सरकार हिंद तो ये नहीं चाहती थी कि किस तरह से इनके ऊपर कोई सजा हो। तो इस तरीके से ये सब चारों लोग, हालांकि इन्होंने ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने अपने गुनाह को एक्सेप्ट भी कर लिया था, इन्होंने ये भी बता दिया था कि हमने क्यों, मगर उसके बाद जब इनको रिहा कर दिया गया तो इन्होंने रिहा करते वक्त ये भी सिचुएशन थी कि इन्होंने अब जज के सामने ये भी कहा था कि हमसे ये ज़बरदस्ती बयानात लिए गए थे और बिकॉज द प्रोसिक्यूशन वॉज वीक तो लिहाजा ये सब माफ़ कर दिए गए। अब जो बात इसमें समझने की है और हमें तवज्जो देनी चाहिए कि जो पाकिस्तानी इसके अंदर जल के बेचारे मर गए, उनको इंडिया से कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली और जो उनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए थी। मैं तो इस सिलसिले में अब ये सोच रहा हूँ कि इस सिलसिले में कोशिश की जाए कि इन हजरात के जो लोग इसमें जिनके विक्टिम हुए थे कि उनके नाम और कॉन्टैक्ट्स पता चलें, उनकी फैमिलीज़ के कॉन्टैक्ट पता चलें, ताकि इसको एक प्रोसेस को शुरू तो किया जाए। अगर हम नहीं शुरू करेंगे तो कहीं पहुँचेंगे भी नहीं। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी डन। तो मेरे वो तमाम दोस्त और अहबाब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ अगर किसी को जानते हैं और हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद करें। वी वॉन्ट टू हेल्प दीज विक्टम्स एंड देयर फैमिलीज टू गेट सम कॉम्पनसेशन फ्रॉम इंडिया, इफ़ नॉट रियली अ कॉम्पनसेशन एटलीस्ट वो माफ़ी तो मांगें और अपने गिल्ट को एक्सेप्ट तो करें। आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू।